नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ अभी। खबर मध्य प्रदेश के उमरिया से, जहां आज सुबह हाईवे 43 के बरमबाबा स्थित खून से लथपथ लाश देखी गई थी, जिसकी सूचना पर चांदिया पुलिस ने पहुंचकर मामला पंजीबद्ध किया। इस मामले में मृत युवक की शिनाख्त होरी लाल पता कोला बैगा उम्र 32 साल निवासी छोटी पाली के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों की माने तो रोज की तरह बुधवार की दोपहर 12 बजे लकड़ी बेचने चंदिया गए थे, परंतु देर रात तक वापस नहीं आए। करीब 18 घंटे बाद गुरुवार की सुबह उनका लहूलुहान शव हाईवे से सड़क पर मिला है। वहीं मृतक के भाई ने बताया कि जलाऊ लकड़ी बेचकर परिवार का पालन पोषण करने वाला होरीलाल लकड़ी बेचने जाने के दौरान हमेशा साइकिल और टांगी पास रखता था, पर घटनास्थल पर ना साइकिल मिली और ना टांगी। इसके अलावा मृतक के साथ गांव का ही सीताराम बैगा घर से निकला था, उसका भी कहीं कुछ अता पता नहीं है, जिस वजह से मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। इस मामले में थाना प्रभारी ML वर्मा ने बताया कि पुलिस लाइन में पदस्थ आरक्षक सूर्य प्रकाश शुक्ल ने हादसे की जानकारी दी थी, जिसके बाद प्राथमिक दृष्टया ये मामला दुर्घटना का प्रतीत होता है। हालांकि PM उपरांत मौत के कारण और अधिक स्पष्ट हो सकेंगे। फिलहाल मामले पर मर्ग कायमी कर विवेचना की जा रही है। मृतक आपका क्या लगता है भाई, क्या कैसी घटना घटी थी वो बताएं। यार मान लो 12-1 बजे घर से निकला है दिन में, कल तो रात में नहीं पहुंचा, तो सवेरे हम हारे लगे। हेरे के बाद वहाँ फिर पुलिस वाले वहाँ रहें और हम पहुँचे। एक बाद फिर चंदिया लेके फिर वह PF कराएं। एक बाद फिर मृतक क्या काम करता था और कितने मतलब बाल बच्चे हैं? 4 बाल बच्चे हैं, 1 लड़कियां है, 3 लड़का और लकड़ी भी अच्छा खाता रहा। जगदीश प्रसाद यादव मृतक के गांव के हैं? हाँ, मैं मृतक के गांव का हूँ। कैसी घटना घटी ये बताएं। ये डेली लकड़ी लेकर के चंदिया आता था साइकिल से बेचने के लिए, और ये कल 12 बजे दिन को निकला है अपने घर से कुल्हाड़ी और साइकिल लेकर के, तो ये रात में आया नहीं। और ये हर रोज़ की भांति यानी कहीं अचानक जंगल में रह जाता था और वहीं ऐसे कहीं कहीं पीना खाना भी कर लेता था, तो वो आया नहीं है रात में। तो अब सवेरे से जब ढूंढना शुरू किए, फिर पता चला कि ये मेन रोड में अमिलिया के पास बरमबाबा और पाली के बीच में किसी का एक्सीडेंट हो गया, और आकर के देखे तो वहाँ पुलिस प्रशासन वहाँ पहले से मौजूद था, और उसको फिर उठा करके PM के लिए चंदिया ले आए हैं, और वहाँ कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है, उसकी लाश छत भी छत अवस्था नहीं। घर में कितने सर? उसके 4 बच्चे हैं, 1 बच्ची है, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, और वो उनकी घर की स्थिति बहुत ही मैंने गरीब परिवार में थे, लकड़ी बेच करके अपना जीवन यापन बाल बच्चों का वो करता था। उसके बच्चे अभी भी 10-10, 12-12 साल के हैं, ऐसे नंगे घूम रहे हैं, और खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसकी माँ भी विधवा है, इसका बाप पहले से ख़त्म हो चुका है, और उसके बच्चे बिल्कुल दर दर की ठोक रहे, इधर उधर से मांग मूंग के खाना वाना खाते हैं। मतलब लकड़ी काट के अपने घर का पालन पोषण, लकड़ी काट करके डेली और चंदिया लेकर के आता था, और इसका भरण पोषण अपने परिवार का करता था, गुजारा बसारा ये उसका दिनचर्या था। वो डेली दिन में 1-2 ट्रिप लगाता था। टेलीफोन के माध्यम से सूचना मिली थी पाली और बरमबाबे के बीच में एक आदमी एक्सीडेंट जैसे पड़ा हुआ है खून से लथपथ। इस सूचना पर मैं अपने स्टाफ के साथ गया, घटनास्थल पर देखा कि ताज़ा खून था। ऐसा लग रहा था कि ये 4 से 5 के बीच की घटना है। वहाँ पर वाहनों के कुछ सीटे के निशान, चक्कर के निशान भी मिले थे, तो मैंने एक्सीडेंटल लग रहा था। तब तक गांव के कुछ लोग भी आए, तो मृतक को पहचान किए कि ये होरीलाल बैगा है, छोटी पाली का। इसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, जिसकी ने खाने का भी आदि था, कभी कभार रात में भी घर नहीं जाता था। सबका पंचनामा करवा कर लाश को PM करवाया। मृतक अपने पीछे पर कितने बाल बच्चे थे? मृतक के 3 बच्चे, 1 बच्ची है, सबसे बड़ा बच्चा है, 15 साल का है।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।